हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में अंग के क्वेश्चन को। तो 230 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 231वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 231 आपसे क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला है हमसे, यदि एक त्रिभुज के कोण हमें दे रखे हैं 2x-8°, तीन कोण दे रखे हैं, इक्वल टू 180 रख लेंगे प्लस करके, क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 3x का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें दिया हुआ पहला एंगल 2x-8°, 2x-8° प्लस, दूसरा है 2x, दूसरा क्या दिया 2x+18+18, एंड तीसरा हमें क्या दिया हुआ देखिएगा, तीसरा दिया 6x°, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखेंगे 2x हो गया, 2x, 4x, 6x, मतलब 10x हो गया, इक्वल टू 180, एंड यहाँ पर माइनस कर देंगे इन दोनों को प्लस करके, तो माइनस का 8 है, 18 में से 8 गए तो 10 बचे, 10 माइनस हो जाएंगे, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा कितना 170। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 17। लेकिन क्वेश्चन हमसे x इक्वल टू 17 नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा 3x, 3 इंटू 17 कर देंगे, 17 या 51, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51। समझ गए बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 232 की ओर चलते हैं। 232वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 232 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 232 ने हमसे बोला DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, DEF, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है DEF। आगे देखो, क्वेश्चन बोले DE बराबर DF इज इक्वल टू 60, मतलब ये 60 है, ये 60 है, दोनों बराबर हैं किसके, 60 के। आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला एंड EF इज इक्वल टू 96, EF इज इक्वल टू 96 है, ये हमें दे रखा है 96। आगे बोल रहे DG जो है आधार है EF पर, यहां से DG एक पॉइंट है। सबसे पहली बात, ये दोनों जब साइड बराबर हैं तो यही सारी चीजें होंगी, ये 90 डिग्री का होगा, ये वाली भुजा यहाँ के बराबर एंड पूरी 96 है, तो इसका आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर, तो 48 यहाँ पर हो जाएगा, 48 यहाँ पे हो जाएगा, आधा कर दिया मैंने 96 का। आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने पूछा है कि DG का मान क्या होगा, DG मतलब ये, तो हम यहाँ पर राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मतलब DG इक्वल टू कितना होगा, रूट के अंदर 60 का स्क्वायर 6 6 36, 3600 माइनस कर देंगे 48 का स्क्वायर, यही तो होगा 48, तो 48 का स्क्वायर मतलब 8 8 64 हो गया, 4 4 16 हो गया, 8 6 32 64 हो गया, प्लस कर लेंगे 4 6 4 10 की 0, 1 कैरी 6 6 12 13 1 कैरी, तो मतलब 2304 माइनस कितना कर देंगे 2304 कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, 10 में से 4 गए 6 बचे, यहां 9 एंड उसके पास 5 हो गए, 5 में से 3 गई तो 2, एंड यहाँ पर बचा 1। 1296 कितने का होता है भाई, 36 का होता है, कितने का स्क्वायर होता है जी 36 का, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। समझ के चलो, क्वेश्चन नंबर 233 देखिएगा, 233वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 233 बोल रहा है हमसे, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज दिया है ए बी एंड सी, ठीक है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, 0 O हमें दे रखा है, AL BM एंड CN का प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब AL BM एंड CN का प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास क्या, ओ। एक बात याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यही सारी चीजें वर्क करती हैं, मतलब यही मीडियन होगी, यही 90 डिग्री पर काटेगी, ठीक है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगी, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री भी काटेगी एंड पर बाइसेक्टर भी होगी एंड मीडियन भी यही होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है,
ठीक है आगे देखो, यदि OA बराबर है 16, OA बराबर 16 है, तो एक बात बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2:1 में मीडियन डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 8 हो गए, तो मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ कि AL बराबर कितना होगा, इसकी जो है हाइट कितनी होगी, मैं हाइट की बात करूँ, ये त्रिभुज की हाइट भी तो हो गई, त्रिभुज की हाइट कितनी है, तो H बराबर मैं बोल सकता हूँ कितना, 24। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप निकालने के लिए मुझे एक भुजा चाहिए। अब एक भुजा निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो H इज इक्वल टू होता है √3/2 इनटू साइड, साइड कितनी है a मान ली मैंने, तो यहाँ पे हाइट हमें पता है 24 अगर रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भुजा, तो मतलब 24 और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो इनटू 2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू √3 इनटू a, तो यहां से a बराबर हो जाएगा कितना, 24 × 48/√3। अभी डिवाइड ना करो, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक भुजा तो आ गई मेरे पास 48/√3। अब परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप होगा भाई, परिमाप निकालने के लिए पेरीमीटर हो जाएगा, देखो तीनों भुजा सेम है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 48/√3 इंटू कर देंगे 3 का, ये क्या है मेरा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, परिमाप हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 3 है यहाँ पे, देखो 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, √3 को भी क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, 3 को भी क्या लिख सकते हो, √3 × √3, तो मतलब एक √3 कट जाएगा, √3 बच जाएगा अभी के लिए। ठीक है, तो ये निकल के आ गया मेरा पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना 48√3 आ गया, पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 48√3, लेकिन अर्ध परिमाप पूछ रहा है, मतलब इसका आधा पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 24√3 हो जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमाप पूछ रहा है तो 24√3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, एंड √3 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 3, तो √3 से हम जब डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा ऊपर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234 की ओर, 234वां देखिएगा। क्या बोल रहा है देखो, 234 ने हमसे बोला है एक त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी क्रम से डी और ई बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि डीई पैरेलल है। देखो त्रिभुज का नाम है एबीसी, डीई इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में समांतर है। आगे देखो क्वेश्चन ने बोला एडी बराबर एक्स है, एडी बराबर एक्स दिया हुआ है, एंड डी बी बराबर है x माइनस 3, डी बी बराबर x माइनस 3। ठीक है, आगे देखो हमें दिया हुआ ए बराबर x प्लस 3। ठीक है, आगे देखो ई सी बराबर x माइनस 2। पूछ कह रहे हैं हमसे, फिर पूछ रहे हैं कि x का मान क्या होगा, वाओ, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे इससे, इसे डिवाइड कर देंगे इससे, x का मान निकल आएगा, तो x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। बस आपको ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे कैंची कोड़ा कर लेते तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे अगर आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा दो, माइनस का 2x बचा, माइनस से माइनस हटा दो, दो से कितनी बार जाएगा 4.5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2, मतलब 4.5, 4.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, 4.5 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। ठीक है, बेसिक में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कैसे क्या करना है, और स्टार्टिंग से देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन इनके समझ में नहीं आता तो उसका रीज़न है आप, क्यों, क्योंकि आप जो है जंपिंग खेल रहे हो, और बीच में ये नहीं पता कि बीच में बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को कराए जाते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और वो पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 235 देखिएगा, 235 क्या बोल रहा है, 235 ने हमसे बोला है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, एबीसी हमें एंगल एबीसी, बी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है। एंगल बी हमें 90 डिग्री दिया हुआ, बीपी एसी पर लंब है, बीपी जो है बीपी एसी पर लंब है, ये जो है लंब दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, एंगल बी ए पी बराबर 50, एंगल बी ए पी बराबर 50 डिग्री, मतलब ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 ये 90 ये, तो ये कितना हो जाएगा ये बता दो, बड़ा वाला ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, 50 90 ये बचा कितना 40 डिग्री। अब एक बात होता है, ये लंबे तो ये 90 होगा, जब ये 90 है ये 90 है, ठीक है, हमेशा याद रखना ये वाला एंगल जब लंब होता है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा नीचे के, नहीं तो फिर माइनस कर लो, 90 ये हो गया, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तो ये हो गया 50, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 और 50, और ये हो गया 40, ठीक है, समझ गए। तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है पीबीसी, एंगल पीबीसी, पीबीसी तो एंगल पीबीसी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, फटाफट से नोट कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 236 देखिएगा, 236 क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 236 ने हमसे बोला है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR क्रम से A और B तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक त्रिभुज है मेरे पास PQR, PQ एंड R, PQ को एंड PR को बढ़ाया जाता है कि जिस पॉइंट पर A और B पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब A और B पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि एंगल AQR ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल BRQ इन दोनों के क्या दे रखे हैं, कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, मतलब यहां से इक्वली बाइसेक्ट करने के बाद में ये जो है यहां पर इस पॉइंट पर O पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि QOR बराबर ये हमें दे रखा है 50, 50 डिग्री, तो हमसे पूछ लिया जाएगा QPR, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं हम इसे क्या, QPR ही दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये हमसे पूछा, तो सीधी सी बात है ये किसके बराबर होता है, ये मेरा जब हम निकालते हैं तो ये होता है हमारा कितना, 90 माइनस एंगल P बाई 2, ये होता है, तो 90 माइनस एंगल P बाई 2 बराबर दिया हुआ किसके, 50 के, ठीक है, उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, तो एंगल P माइनस का है बाई 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस 2 का मल्टीप्लाई, तो एंगल P बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, कितना हो जाएगा, एंगल P बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंगल P बराबर कितना हो गया 80 डिग्री, तो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, 80 डिग्री तो होगा, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 237 देखिएगा, 237वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 237 ने हमसे बोला है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी 15 डिग्री है, मतलब ये है कि एक ट्राइंगल है मेरे पास जिसमें एक एंगल 15 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 15 डिग्री है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, एंगल बी जो है हमारा क्या 15 डिग्री, बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी बी डी, ए डी एंड बी डी, अब यहां से जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या करता है ये देख लीजिए, ए डी बराबर है बी डी, ए डी ये बराबर है बी डी के, ये दोनों बराबर है, अगर इसके सामने ये 15 है तो ये भी 15 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ये 15 है, ये 15 है, ये दोनों 15 है, क्वेश्चन ने बोला ए डी बराबर बी डी, तो एक बात बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस कर लूँ 30 माइनस कर दूँ 180 में से, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री होगा, अभी तो अगर ये 150 है तो ये वाला निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा भाई पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि बता दो कि एंगल एडीसी का मान क्या होगा, एडीसी तो एडीसी का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा,
एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 30 डिग्री। समझ गए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 238, 238वां क्वेश्चन देखिएगा। 238 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 238 ने बोला है क्या, देखो त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री है, एंगल बीएसी बराबर 90 डिग्री, बी ए सी एंड ए क्या है मेरा 90 डिग्री, ये बोल रहा है। आगे देखो ए डी एंड बी सी पर लंब खींचा गया, ए डी जो है बी सी पर लंब खींचा गया, यहां से एक पॉइंट ये 90 डिग्री पर डी पॉइंट लंब खींच दिया मैंने, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन ने बोला है यदि बी डी बराबर है 7, बी डी बराबर है 7 ठीक है, एंड हमें दिया सी डी बराबर है 28, सी डी बराबर है 28, कितना दिया हुआ है सी डी बराबर है 28, तो ए डी की लंबाई क्या होगी, तो जो है ए डी बराबर क्या होगा हमसे ये पूछा गया, क्या पूछ लिया, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ए डी का स्क्वायर क्या होता है, ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाता है इन दोनों के गुणनफल के, तो 28 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट के अंदर कितना 28 इंटू 7, रूट कहां से है स्क्वायर हटाओगे तो रूट ही तो लगाओगे भाई, तो यहां पे देखोगे 7 से 7 चौक तो 7 बाहर, 4 से 2 बाहर तो मतलब 7 दुनी 14, तो फाइनल जो हमारा हो जाएगा ए डी इक्वल टू कितना होगा 14 राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, तो ए डी इक्वल टू 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा ध्यान से, ठीक है। दो सौ 38 तो हो गया, 239 क्वेश्चन नंबर, ठीक से देखिए 239 में दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 है जी, पी क्यू आर में क्यू 90 है, इतना बोल दिया क्वेश्चन ने। आगे देखो पी क्यू बराबर दिया 12, पी क्यू बराबर है 12, आगे बोले क्यू आर बराबर 5, क्यू आर बराबर 5, ये 5 है ये 12 है तो ये 13 हो गई जी, आगे देख लेते हैं जो भी है। क्वेश्चन ने बोला है तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वाह जब राइट ट्रायंगल में परिवृत्त की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब जो कर्ण है कर्ण का क्या आधा, इसका ही तो आधा होगा, ये क्या हो गया मेरा ब्यास हो गया, एंड ब्यास का आधा कर दूंगा तो इस सर्कल की ये क्या हो जाएगी त्रिज्या ही तो हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की क्या है परिवृत्त की सरकम सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस अगर हमें निकालनी है तो ये वाला पार्ट निकाल लें क्योंकि ये आर हो जाएगी यहां पे, आधा तो आर हो गया पूरा डी हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.5, 6.5 हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। 6.5 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की ओर, 240वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 240 ने हमसे बोला त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया, ए बी सी में डी तक बढ़ाया गया बी सी को। आगे देखो क्वेश्चन बोले एंगल ए सी डी बराबर दिया 114, ए सी डी मतलब ये 114, ठीक है, एंड ये किन दोनों के सम के बराबर होता है, इसका सम एंड इसका सम, ठीक है, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर, ठीक है। आगे देखो एंगल ए बी सी बराबर दिया, एंगल ए बी सी बराबर दिया हुआ 1/2 एंगल, 1/2 एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब बी ए सी का जो मान है वो हो गया 2 और यहाँ पे ए बी सी का जो मान है वो हो गया 1 एंगल का, तो ए बी सी का जो रेशियो ए बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है उसमें आएगा 1:1, एंड यहाँ से बी ए सी बराबर आ जाएगा 2,
अब इन दोनों का सम कहां से भाई, दो और एक जोड़ने पर बैठ रहा है मेरा तीन, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन रेशियो नहीं 114 है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तीन से तीन त्रिका नौ, तीन आठ चौबीस, जब एक का मान यहां पे क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा 38, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जब एक का मान 38 है तो दो का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप जो इसमें से माइनस कर दो 38, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, 8 दुनी 16, 3 दुनी 6 और 1 7 76 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ कह रहा है वो देखो, एंगल बीएसी का मान, बीएसी का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे बीएसी ये वाला एंगल पूछा, तो मतलब हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 76 डिग्री राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बाकी अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।